सोशल मीडिया पर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन तजिंदर सिंह बग्गा ने ये वीडियो जिसमें एक टैंकर से गैस निकल रहा है उसे शेयर करते हुए ये कहा कि देखिए किस तरह से दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में जान करके ऑक्सीजन को बर्बाद किया जा रहा है ताकि दिल्ली में आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट किया जा सके। हालांकि जब हमने फैक्ट चेक किया तो हमने पाया कि ये दावा झूठा है। दरअसल दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर पी एल चौधरी ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए ये बताया कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि जब प्रेशर बिल्ड होता है तो गैस एस्केप करने लगता है। उन्होंने लिखा कि लिक्विड ऑक्सीजन के टैंकर में एक प्रेशर वॉल्व लगा रहता है, ठीक वैसे ही जैसे प्रेशर कुकर में होता है। जैसे ही टेम्परेचर डिफरेंस के कारण टैंकर के अंदर का प्रेशर बढ़ता है, वैसे ही वॉल्व ओपन हो जाता है और गैस रिलीज हो जाता है। फिर जब प्रेशर नॉर्मल होता है तो ऑटोमेटिकली वॉल्व बंद हो जाता है। ये एक सेफ्टी मेजर है जिससे टैंकर को बस्ट करने से रोका जाता है। द लॉजिकल इंडियन ने और कंफर्मेशन के लिए श्रीवास्तव थर्मैया, जो कि मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल के डिप्टी जनरल मैनेजर हैं और इस मैटर के एक्सपर्ट हैं, उनसे भी कंफर्म करा। उन्होंने बताया कि वीडियो में गैस सेफ्टी वॉल्व से निकलता हुआ दिख रहा है क्योंकि ऑक्सीजन को मैनुअली रेगुलेटर वॉल्व के जरिए निकाला जाता है जो कि टैंकर के बॉटम में होता है, और इस वीडियो में गैस टैंकर के ऊपरी हिस्से से निकल रहा है जहां पर सेफ्टी वॉल्व होता है। इससे ये बात साफ होती है कि वीडियो में जो ऑक्सीजन निकलता हुआ दिख रहा है वो सेफ्टी मेजरमेंट के तौर पर निकला है और ऑटोमेटिक निकल रहा है। इसी तरह के किसी भी न्यूज, वीडियो या इमेज के पीछे का सच जानने के लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 6364000343 पे टेक्स्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।